हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा गाना है इंडिया का जो कि बीट वाला है और वॉल पे अखीर लगता है, और जिस बंदे की मूवी आ रही है आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, और वो वाकई में हर फन मोल है। ये लेसन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 25,000 सब्सक्राइबर्स, कमाल, लव यू ऑल। और अब मैं एक और अपडेट करने जा रहा हूँ कि जो उन सभी सॉन्ग मैं प्ले करने लगा हूँ और जो पुराने जितने सॉन्ग प्ले किए हैं उनके नीचे स्केल्स, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने वॉल पे मार्क्स कैसे किए हैं, फ्रेट मार्क्स कैसे बनाए, जो स्केल्स हैं उन सॉन्ग के वो कौन कौन से हैं, वो सारे मैं बताऊँगा, ताकि जो मुझे रेगुलर कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो मैं पहले ही आपको बताता चलूँ कि वो सब कुछ नीचे लिखा होगा। अपडेट करने में माइट भी मुझे ऑलमोस्ट एक वीक लग जाए, लेकिन आई एम डूइंग दैट। कुछ गानों के हो गए हैं, कुछ गानों के हो रहे हैं। और जो रिक्वेस्ट आपकी होती हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है या फेसबुक पेज, ठीक है, उस पे आप मुझे रिक्वेस्ट कर दिया करें, वो बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त मुझे यूट्यूब पे रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, मोस्टली रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कह लो कि सॉर्ट ऑफ यू कैन से बैड इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 250 सॉन्ग्स कर लिए हुए हैं, उसके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट आ रही होती हैं बहुत सारी, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो काइंडली इंस्टाग्राम पे कर दिया करें या फेसबुक पे कर दिया करें। और यूट्यूब में अदर देन द रिक्वेस्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको बताया वो मैं ऑलरेडी नीचे लिख रहा हूँ। बाकी द बेस्ट थिंग, जिस चीज़ की मुझे सबसे खुशी होती है और जिस चीज़ पे मेरा दिल भी आ रहा होता है, वो ये होता है कि जिस वक्त आप अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और मेरा दिल करता है मैं और वीडियोज बनाऊँ। लेकिन ये सॉन्ग मस्ट एड ऑन है लिस्ट में, शुरू करते हैं लिस्ट। ओके, जैसे मैं आपको हर वीडियो के स्टार्ट में बताता हूँ कि कोई भी सॉन्ग प्ले करने से पहले मेक श्योर कि आपका वॉल्यूम ट्यून में हो। अगर ट्यून में नहीं होगा तो जो मर्जी कर लो आपका साउंड ठीक नहीं आएगा। सो अगर आप एक दो मिनट ट्यूनिंग पे लगा देते हो तो उससे आपको सीखने में आसानी होगी। और ट्यूनिंग है EADG, जो कि है। अब आपने क्या करना है कि जो अगर तो आपने ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसके स्केल पे प्ले करना है, तो आपने अपनी जो ट्यूनिंग है वो एक स्टेप ऊपर कर देनी है, लेकिन मेलोडी लाइन सेम की सेम है, ठीक है, तो उससे कोई इश्यू नहीं होगा, आप वैसे ही प्ले करोगे, इजी सीन होगा। सो अभी हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला जो पहली लाइन है, हादसों के इस शहर में, वहाँ से आते हैं और नोट्स ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद इसे मैं और स्लो प्ले करता हूं और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेम मेलोडी लाइन सेम है, लेकिन उसके अंदर ऑक्टिव चेंज हो रहे हैं, तो ऑन द हायर ऑक्टिव। और मैं ऊंचा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है सो मुझसे, तो इस वजह से मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है। खैर, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ओपन ई से आना है। उसके बाद दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद जो म्यूजिक आता है। ठीक, फिर से आए स्लोली।
फिर उसके बाद आएगा इसे मैं स्टोरी प्ले करता हूँ। पहले यहां से आते हैं। फिर से वही चीज। कितनी हसीनों पे ना 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 ठीक स्लोली अतर की शीशी है जहां भी खुल जाए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्योंकि अरेबिक कह लो इसके एक्सेंट्स हैं। सो इस तरह से होगा कि ऊपर नोट्स आ रहे फिर फन मोला। इसे एक बार जो है सारे को कंबाइंड में प्ले करता हूं ताकि आप लोगों को ओवरऑल जो कौन जो सेंस है उसकी समझ में आ जाए। इसके बाद जो माय फेवरेट पार्ट तन 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 वो है मैं आपको बाद में बताता हूं। तो अब किस तरह से अभी इस तरह से प्ले होगा इतना हो गया। फिर उसके बाद यहां पे देखो मेरी बो देखना ता ता ता। ये एक ही बो में एक ही उसमें आता है उसमें मैं टैप करता हूं ठीक है। अब किस तरह से ठीक हो गया। फिर से सुने फिर वापस ठीक हो गया। सो ये इसके ऊपर नोट्स आ रहे हैं ये दिस इज द मेन थिंग कि जो वॉल्यूम पे अखीर लगती है वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बिकॉज अरेबिक जॉनरा इज लाइक माय फेवरेट। इसके बाद अगेन म्यूजिक आता है तो यहां से हम लोग थे फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इसे इजी मैं आपको बताता हूं इजी किस तरह से होना। Here.
ये सारा म्यूजिक का पार्ट है जिसे मैं पहले स्लोली प्ले किया था, और अगर आपको उसमें समझ नहीं आई रिवर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद एक अंतर आता है जो कि है, ठीक है, इसके अंदर मैं इम्प्रोवाइज भी कर रहा हूँ उसे और एक्साइटेड बनाने के लिए। अब किस तरह से, फिर वापस, तो इस तरह से आपने प्ले करना है। आई होप आपको समझ आ गई कि आपने हरफन मौला कैसे वन पे प्ले करना है। अब इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें, और नीचे आप कमेंट जरूर करें कि आपको सॉन्ग कैसा लगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन। गुड बाय।